गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वेलकम इन कंप्यूटर स्पेशल क्लास लेवल फर्स्ट और हाफ एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। टिक द करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें, जो सही आंसर है तो आपको दो ऑप्शन दिए होंगे, जो ऑप्शन सही होगा उस पर आप लगाएंगे टिक। मान लीजिए आपको दिया जा सकता है प्रिंट आउट ऑन ए पेपर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अगर आप किसी का प्रिंट आउट करते हैं पेपर पर तो वो क्या कहलाता है। वहाँ पर ऑप्शन आपके पास होंगे हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, या आपको ये भी दिया जा सकता है कि कंप्यूटर का ब्रेन कौन कहलाता है, तो ऑप्शन ये होंगे। और आपको इस टाइप से भी दिखाए, उसमें पूछा जा सकता है कि टेलीविज़न की तरह कॉल लगता है कंप्यूटर का, या फिर कंप्यूटर के द्वारा आप क्या भेज सकते हैं और क्या सेंड कर सकते हैं, क्या रिसीव कर सकते हैं, और कंप्यूटर जो है किस चीज़ को सुनने में भी काम आ सकता है, और कंप्यूटर कैसी मशीन है, और रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर क्या काम आता है। वहीं पर अगर हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की तो काफ़ी आसान होंगे और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे सबके लिए, और ये कम से कम आपके पास 5 से 6 हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आ जाता है वी कैन, और वहाँ पर स्पेस दे रखा हो और लिखा हो इन्फॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर, आप एक कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। ऑप्शन दे रखा है मान लो आपको गेम्स, स्टोर या टीचिंग, तो आपको जो सही लगेगा उसको आप उसमें क्या कर देंगे फिर। तो इस प्रकार से जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं 5 या 6 होंगे। और अगर क्वेश्चन आंसर की बात करें तो ये भी कम से कम आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ सकते हैं, क्योंकि क्लास आपकी छोटी है तो बड़े जो क्वेश्चन होंगे थोड़े से हल्के, एक एक लाइन के या आधे आधे एक दो दो लाइन के, तो उनको आपको बनाना है। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया गया विच पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर इज यूज्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑन पेपर, या ये भी पूछा जा सकता है कि 3 पार्ट्स लिखे कंप्यूटर की कोई भी, या आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर जो है क्या मतलब कौन सा भाग है कंप्यूटर का जिससे कि जिसके मदद से आप खेल खेल सकते हैं। और एक वन वर्ड आंसर के रूप में अगर आप बात करें तो एक छोटा सा आंसर, जैसे पूछ दिया गया आपका नेम एनी वन प्लेस वेयर ए कंप्यूटर यूज्ड, कंप्यूटर कहाँ प्रयोग होता है, और कौन सा गेम आप खेलते हैं कंप्यूटर पे, इस प्रकार से। और जंबल्ड वर्ड भी आपको दिए जाएंगे, जंबल्ड यानी कि वो आज पीछे मतलब सही ढंग से नहीं लिखे हैं, आपको उनको सही ढंग से लिखते हुए उनसे एक मीनिंगफुल लेटर, जो लेटर है उनको एडजस्ट करके एक मीनिंगफुल वर्ड आपको बना देना है। जैसे उसमें कुछ भी कंप्यूटर के संबंध में ही आपको पूछा जाएगा, कठिन नहीं रहेगा पेपर आपके लिए। और ट्रू एंड फॉल्स भी आप जब करेंगे तो उसको आराम से पहले पढ़ें, अगर समझ में नहीं आ रहा पूछ लें, जो भी टीचर या मैम की ड्यूटी आपके रूम पे होगी उनसे पूछ सकते हैं, और आराम से फिर उसके बाद समझो और अपने हिसाब से ट्रू एंड फॉल्स उसमें लग। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि माउस पर जो माउस है उसमें बहुत सारी कीज होती है, अगर होती हैं तो आप लिख देंगे ट्रू, और अगर नहीं होती है तो फॉल्स, इस प्रकार के। और कंप्यूटर में ड्रॉ की प्रैक्टिस भी आपको कराई गई है, तो आप कंप्यूटर में ड्रॉ आ सकते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स ही आएंगे, क्या मॉनिटर आ सकता है, कीबोर्ड आ सकता है, माउस आ सकता है, तो आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको कोई भी 2 ड्रॉ करने होंगे, तो काफ़ी आसान रहेगा पेपर आपके लिए, साफ साफ काम करेंगे, और बिल्कुल भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है, जहाँ पर समझ में नहीं आएगा पूछ लेंगे, कोई भी समस्या हो आपको तो। बने रहिए गुरु के SBU YouTube चैनल के साथ।